हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ आयुर्वेद डाइट प्लान शेयर करने जा रहे हैं, जिनको फॉलो करके आप अपनी बॉडी को फिट एंड फाइन, अपने आप को डिजीज फ्री रख सकते हैं। क्योंकि हमारा आयुर्वेद कहता तो बहुत कुछ है, हमें ये करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए, लेकिन आज हम उन्हीं में से कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में शेयर करने जा रहे हैं, जिनको मे भी आप फॉलो करके अपनी बॉडी को फिट एंड फाइन रख सकते हैं। क्योंकि आयुर्वेद के अकॉर्डिंग अगर आपका डाइट अच्छा रहा, अगर आप जो है डेली की एक्टिविटीज़ को प्रॉपरली रखेंगे, तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, आप हमेशा फिट एंड फाइन रखें। तो आयुर्वेद सबसे पहला जो डाइट प्लान हमें बताता है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम जो है सूरज के ढलने से पहले खाना खा लेते हैं, तो हम ज़्यादा फिट एंड फाइन रहेंगे। मतलब आयुर्वेद के अकॉर्डिंग, हमारा आयुर्वेद कहता है, हमारा साइंस भी कहता है कि अगर सनसेट हो जाता है, सूरज ढल जाता है, उसके बाद हमारी बॉडी वीक फील करती है। जैसे कि जब तक सूरज रहता है, तब तक प्लांट, तब तक एनिमल बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, बहुत ज़्यादा फिट रहते हैं। उनकी भी एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो सनलाइट पे ही टोटली डिपेंडेंट होती हैं। उसी तरीके से हमारी बॉडी भी जो होती है वो भी टोटली सनलाइट पे ही डिपेंडेंट होती है। जब तक सनलाइट है, तब तक हमारी बॉडी मोर एक्टिव होती, ज़्यादा एक्टिव होती। आप ऐसे एनालाइज कर सकते हैं, अगर ठंडियों में 2-3 दिन तक धूप नहीं निकलती है, आपकी बॉडी पूरी तरीके से वीक फील करती है। जहां धूप निकल गई, पूरा होल यूनिवर्स जो है हमारा क्या होता है, एक्टिव हो जाता है। उसी तरीके से जिस तरीके से एनिमल्स और प्लांट टोटली डिपेंडेंट होते हैं सनलाइट पे, उसी तरीके से हमारी बॉडी भी टोटली डिपेंडेंट होती है सनलाइट पे। तो सूरज के ढलने के बाद जो है हमारी बॉडी वीक हो जाती है, एंजाइम का सिक्रीशन स्लो डाउन हो जाता है, डाइजेस्टिव जूसेस प्रॉपरली सिक्रीट नहीं हो पाते, जिसकी वजह से अगर हम सनसेट होने के बाद हैवी मील लेते हैं, ज़्यादा खाना खा लेते हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें खा लेते हैं जिनके अंदर न्यूट्रिशन ज़्यादा प्रेजेंट होता है, वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता है, जिसकी वजह से हमें स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, जैसे इनडाइजेशन, गैस की प्रॉब्लम, या कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, या एसिडिटी, या फिर अदर कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए हमारा आयुर्वेद ये कहता है, अगर पॉसिबल हो तो सनसेट के पहले ही आप खाना खा लीजिए, या सूरज के ढलने से पहले आपको जितने भी फ्रूट्स खाने हैं उसे खा लीजिए, जो भी जूसेस पीने हैं वो पी लीजिए, जितनी भी हैवी डाइट लेनी है वो सूरज के ढलने से पहले। जैसे ही सूरज निकलता है और जब तक सूरज नहीं ढलता है, तब तक के बीच में आपको जो कुछ भी खाना है, पीना है, खा पी लीजिए। लेकिन उसके ढलने के बाद अगर आप खाते हैं तो आपका खाना सही से डाइजेस्ट नहीं होता है। तो जैसे रात में आप अगर केला खा रहे हैं, मूली खा रहे हैं, कुकुम्बर ले रहे हैं, या दही खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, राजमा खा रहे हैं, या जो चने होते काले चने और जो व्हाइट वाला चना वो खा रहे हैं, सोयाबीन ले रहे हैं, इन सभी चीज़ों के अंदर भर भर के न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है। इनको हम लेंगे तो इनके लिए क्या चाहिए, ज़्यादा एंजाइम चाहिए इनको डाइजेस्ट करने के लिए, और उतना एंजाइम तो हमारी बॉडी नहीं सिक्रीट कर रही है, वो खाना कहाँ से डाइजेस्ट होगा, वो फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से हमें अपच हो जाएगी। खाना जब सही से नहीं पचेगा तो क्या होगा, हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, बॉडी में कहीं ना कहीं कैलोरी स्टोर होगी, जिसकी वजह से हम मोटे हो सकते हैं, हमारा पेट भी निकल सकता है, और भी अदर प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद, आयुर्वेद के अकॉर्डिंग अगर आप सूरज के ढलने के बाद इन सभी चीजों का सेवन करेंगे, तो आपकी बॉडी जो है एक्टिव फील नहीं करेगी। आपने खुद ही देखा होगा, अगर किसी दिन खूब पेट भर के एकदम गले तक खाना खा लीजिए, फिर आप सो जाइए, अगले दिन मॉर्निंग में आप खुद ही नहीं बेटर फील करेंगे, मे बी रात में आपकी नींद खुद डिस्टर्ब हो सकती है, क्योंकि हमारा खाना सही से नहीं डाइजेस्ट हो रहा, बॉडी के फंक्शन स्लो डाउन हो जाते हैं। इसीलिए अगर आप सूरज के ढलने के बाद खाना खाना ही है, एकदम हल्का खाना खाइए, नॉर्मल सब्जी खाइए, उसके साथ 1 से 2 रोटी खाइए बस, ताकि वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाए, या फिर आप हल्दी वाला दूध पीकर भी सो सकते हैं। क्योंकि अगर आप रात में दूध पीते हैं, वही एक ऐसा दूध होता है जो सनसेट होने के बाद अगर आप दूध पी रहे हैं, वही अच्छे से डाइजेस्ट भी होता है और एंजाइम सिक्रेशन को फास्ट भी करता है, बॉडी को एक्टिव रखता है। इसीलिए 1 ग्लास दूध पीकर सो जाइए,
आप मच बेटर फील करेंगे। दोपहर में या सुबह जो कुछ भी खाना है खा पी लीजिए, जितनी भी हैवी डाइट लेनी है आफ्टरनून में और ब्रेकफास्ट में ले लीजिए, लेकिन डिनर के लिए इन हैवी डाइट को मत छोड़िए। ये हम डिनर में खाएंगे, बिल्कुल नहीं खाएंगे। अगर आप इस आयुर्वेद डाइट प्लान को फॉलो करते हैं, आपको कभी भी लाइफ में स्टमक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। पहले के जो ऋषि मुनि लोग थे और भी जो लोग थे वो क्या करते थे, वो रात में कुछ खाते ही नहीं थे। क्यों नहीं खाते थे? क्योंकि उन्हें पता है, वो ये नहीं पता था कि ये मतलब इतनी तब साइंस नहीं थी, फिर भी वो किसी और चीज से रिलेट करके खाते नहीं थे, तब भी तो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम इतना हेल्दी रहता था। पहले के लोगों में बीमारियां नहीं होती थी, आजकल के लोगों का डाइट प्लान इतना तक चेंज हुआ है कि वो रात के 10 11 12 बजे खाना खाते हैं। ये कौन सा टाइम है आपका 10 11 12 बजे खाना खाने का, जिस समय हमारी बॉडी जो होती है वो एंजाइम को प्रॉपरली तब तक मतलब और ही नहीं सिक्रीट कर पाएगी, और ऊपर से हम हैवी डाइट ले लेंगे, फिर खा के सो जाएंगे, खाना सही से पचेगा नहीं, सुबह हमें भूख लगेगी नहीं, फिर जब वो खाना पचेगा तब तक हमें भूख लगेगी, फिर हम पता लगा सुबह का ब्रेकफास्ट कर ही नहीं रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हम दोपहर का खाना खा रहे हैं। ये सभी लाइफ स्टाइल को चेंज कर लीजिए। कोई भी नई लाइफ स्टाइल हमें नहीं फॉलो करनी है, हम पुरानी ही लाइफ स्टाइल को फॉलो करेंगे लेकिन हमेशा हेल्थी रहेंगे। आज से अगर आप भी ये गलती करते हैं कि 11 12 बजे खाना खाते हैं, बिल्कुल इस डाइट प्लान को चेंज कर लीजिए। अगर आपको फिट रहना है, अगर आपको हेल्थी रहना है, तो सबसे पहले आपको यही प्रण लेना है 2024 में कि हम अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करेंगे, हम अपने डाइट प्लान को चेंज करेंगे और जो है 8 बजे तक जो है डिनर कर लेंगे किसी भी हाल में। और क्या खाएंगे? सिर्फ और सिर्फ अगर खाना भी है सब्जी रोटी खाएंगे नॉर्मल, नहीं तो एक ग्लास हल्दी वाला दूध पीकर सो जाएंगे बस। अगर आप इस आयुर्वेद डाइट प्लान को फॉलो करते हैं तो आप लिख कर ले लीजिए, आपको कभी भी किसी भी प्रकार की कोई बीमारी हो ही नहीं सकती। स्टमक से रिलेटेड बीमारी तो होगी ही नहीं। दूसरा जो है, हमारा आयुर्वेद ये कहता है कि आपका भोजन, आपका खाना एकदम सात्विक होना चाहिए, मतलब नॉर्मल दाल चावल रोटी सब्जी बस, इससे ज्यादा नहीं। हम क्या खाएंगे? दोपहर में दाल चावल रोटी सब्जी और एक कटोरी दही खाएंगे, जिससे हमारा स्टमक हेल्थी रहे, क्योंकि दही से हमें विटामिन B12 मिलता है और स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व होती है, और दही हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। कभी कभी हमने डिसाइड कर लिया है कि हम महीने में 5 दिन घर में पूरी सब्जी या पनीर या कुछ अच्छा खाना बनाकर खाएंगे बस। इतना ये नहीं कि हर दिन हम पूरी खाएंगे, हर दिन हम स्पाइसी और बहुत ज्यादा ऑयली सब्जी खाएंगे, नहीं, हमारा खाना एकदम सात्विक होगा। अगला जो है वो सीजनल, सीजनल मतलब ठंडी गर्मी बरसात, जिस भी चीज का सीजन हो, जो कोई सीजन हो, उस सीजन में जो भी वेजिटेबल्स मिलेंगे, जो भी हमें फ्रूट्स मिलेंगे, हम उनका सेवन करेंगे। ये नहीं है कि अभी सेब का सीजन नहीं है तो हम सेब खाएंगे। जो अगर आप सीजनल वाइज फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का यूज करते हैं तो आपकी बॉडी भी उस चीज को प्रॉपरली डाइजेस्ट कर पाती है। ऐसा नहीं है कि हम संतरे का सीजन नहीं तो हम संतरा खाएंगे तो हमारी बॉडी डाइजेस्ट कर लेगी। अगर आप सीजनल वाइज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का यूज करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के ही अकॉर्डिंग जो है ग्रोथ कराई गई है, नेचर को भी बनाया गया है, बहुत सोच समझ के बनाया गया है कि ठंडी में ये चीज मिलेगी, हाँ हमारी बॉडी डाइजेस्ट कर लेगी, तभी ठंडियों में पत्तेदार सब्जियां ज्यादा मिलती है, क्योंकि हमारी बॉडी उस चीज को डाइजेस्ट कर लेती है, एंजाइम सिक्रीशन अच्छे से होता है। और गर्मियों में टेम्परेचर बहुत हाई होता है, जिससे हमारी बॉडी उस चीज को डाइजेस्ट नहीं कर पाती, इसीलिए गर्मियों में पत्तेदार सब्जियां नहीं मिलती हैं। तो बहुत सोच समझ के हमारी बॉडी को बनाया गया है, इसीलिए हमेशा सीजनल वाइज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का यूज करिए। नेक्स्ट है वो है लोकल, आपका खाना एकदम नॉर्मल होना चाहिए, एकदम लोकल होना चाहिए। नेक्स्ट है वो है फ्रेश, हमेशा ताजा खाना खाइए, जब बना लीजिए बनाने के बाद 2 से 3 घंटे तक उस खाने को खा लेना। जितना ज़्यादा आप फ्रेश फूड आइटम का यूज करेंगे, आपका खाना जितना ज़्यादा फ्रेश रहेगा, ताज़ा रहेगा, आपकी बॉडी उसे प्रॉपरली डाइजेस्ट भी कर पाती है, डाइजेशन प्रोसेस अच्छे से होगा अगर आपका खाना फ्रेश होगा। लास्ट है वो है टेस्टी भी होना चाहिए, क्योंकि खाना टेस्टी होगा तो हमारी बॉडी डाइजेस्ट भी कर लेगी और हमें खाने में भी अच्छा होगा,
ये नहीं टेस्टी का मतलब नहीं कि खूब सारे उसमें मसाले डाल देंगे या खूब सारे उसमें तेल डाल देंगे, नॉर्मल बनाएंगे, हेल्थी बनाएंगे, टेस्टी भी बनाएंगे। तो इन सभी चीज़ों को भी फॉलो करके आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्थी रख सकते। लास्ट है वो है ड्रिंक मच मोर वाटर, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएंगे, क्योंकि हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है और वो सारी मेटाबॉलिक रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है, वाटर की प्रेजेंस में होती है। अगर हमारे अंदर वाटर की डिफिशेंसी नहीं होगी तो हमारी बॉडी मच मोर एक्टिव फील करेगी। लेकिन हम अपनी बॉडी की एक्टिविटी के अकॉर्डिंग, अपनी बॉडी की डिमांड के अकॉर्डिंग ही जो है पानी पिएंगे, क्योंकि बॉडी में जब पानी की ज़रूरत पड़ती है हार्मोन का सिक्रीशन होता है, हमारी ग्लैंड जो है हार्मोन सिक्रीट करती है, जिससे जो हमारी बॉडी हमारे ब्रेन में हाइपोथैलमस ग्लैंड प्रेजेंट होता है वो हमें मैसेज पहुंचाता है हमारे न्यूरल सिस्टम के अकॉर्डिंग। उसके बाद हमारी बॉडी को पता चलता है तब हम पानी पियेंगे, क्योंकि उसका काम ही यही होता है, जब भूख लगती है तब हार्मोन सिक्रीट होता है, हमें प्यास लगती है तब भी हार्मोन का सिक्रीशन होता है। तो बॉडी की एक्टिविटी के अकॉर्डिंग हम पानी पियेंगे और इन सभी डाइट प्लान को अच्छे से फॉलो करेंगे, ताकि हम अपने आप को हमेशा फिट, फाइन एंड डिजीज फ्री रख सकें। बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। फिर मिलेंगे इस तरीके से और भी अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।